नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश किसान सभा के आह्वान पर 7 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा के आह्वान पर काफ़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते पहुंचे और अपने 7 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि हम किसानों के हितों को लेकर आज यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा सदैव तत्पर रहा है किसान हितों के लिए। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के कारण किसानों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा आगे, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा। किसान सभा का अध्यक्ष हूँ, हमारे दाहिने साइड खरपत्तू राजभर। हम लोग ज्ञापन, आज 7 सूत्री मांग है। एक तो 3 कृषि बिल कानून जो है उसको वापस लिया जाए, दूसरा MSP की गारंटी दिया जाए, किसानों मजदूरों खेत मजदूरों ग्रामीण इलाकों को 10,000 बुढ़ापे की पेंशन दी जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ और सूखे से जो तबाही हो रही है, घाघरा नदी, गंगा नदी, जमुना नदी जो काट रही है, बाढ़ से तबाह किसान है, उनको समुचित मुआवजा दिया जाए। गन्ने का पेमेंट दिया जाए। 23,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में किसानों का बकाया, सरकार झूठ बोलती है। अभी 43 करोड़ केवल सठियाँ चीनी मिल पर बाकी है। तो इस तरह सरकार झूठ बोल रही, किसानों को हम बहुत कुछ दे रही है, दे कुछ नहीं रहे। 1980 रुपया पिछली बार MSP की खरीद मूल्य तय हुआ था, 1200-1300 रुपये किसानों का गेहूँ आज भी खरीदा जा रहा, धान का कोई पता नहीं। करोड़ों रुपया FCI द्वारा खरीदे गए, जो DM ने 4 जून को चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री को, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको किया जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों रुपया किसानों के फर्जी नाम पर धान खरीदा गया है, गेहूँ खरीदा गया है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। इन तमाम सवालों को MSP की गारंटी, 3 कृषि बिल कानून वापस लिया जाए। जो जुर्म हो रहा है औरतों के साथ, रोज महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, रोज अखबारों में भरा पड़ा होता है आप लोगों के द्वारा कि कहीं कहीं ये मांगे नहीं करेंगे, तो हम 27 तारीख को भारत पूरा बंद कर रहे हैं। और बंद भी नहीं होगा तो हम देश के सरकार के विरोध में पार्लियामेंट पर, गवर्नर हाउस पर, मुख्यमंत्री हाउस पर, DM कार्यालय पर अक्टूबर नवंबर के महीने में पूरा जेल भरोगे। और 10-15 करोड़ किसान इस देश के अंदर जेल में जाएगा, चाहे सरकार रहे चाहे जाए, लेकिन हम अपनी मांगों को मनवाएंगे चाहे जो भी हो।